ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की। आज हम श्रीमद् भगवद गीता सातवां अध्याय श्लोक संख्या आज है 20 नंबर। कामैस्तैस्तर्हितज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं नियमस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि वे लोग जिनकी बुद्धि जिनका ज्ञान कामनाओं के द्वारा अभृत हो चुकी है, वे अन्य अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्या भगवान नहीं दे सकते? भगवान दे सकते हैं, लेकिन बुद्धि यानी कि उनकी कम है। क्षुद्र बुद्धि होने के कारण उनको यह विश्वास नहीं होता कि भगवान हमें सब कुछ दे सकते हैं। भगवान ने पहले कहा था कि ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो वास्तविक रूप से ज्ञानी है वो तो भगवान की शरण में आता है। इसका अर्थ क्या है कि जो देवताओं के पूजक हैं, जो देवताओं को पूजने वाले हैं, वास्तविक रूप से ज्ञानी नहीं है। तो कामैस्तैस्तैर् हृतज्ञानाः, जैसे किसी का धन अपहृत हो जाता है, धन की चोरी हो जाती है, वैसे ही ज्ञान की भी चोरी होती है। ज्ञान की चोरी कैसे होती है? जैसे मानो सबको पता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्पष्ट लिखा रहता है स्मोकिंग किल्स यू, फिर भी लोग पीते हैं ना, क्योंकि उनके जो सिगरेट पीने की जो आदत है, इस आदत के कारण, इस कामना के कारण उनका ज्ञान ढक चुका है। वैसे ही शराब पीने से लीवर सिरोसिस होता है ना, किडनी फेलियर की संभावना बढ़ जाती है, फिर भी लोग पीते हैं ना। क्या उनको पता नहीं? उनको ज्ञान तो है, लेकिन उनका ज्ञान अभी शराब पीने की कामना के कारण उस ज्ञान का लोप हो चुका है। इसी प्रकार यहां भगवान कहते हैं कामैस्तैस्तैर् हृतज्ञानाः, कामनाओं के कारण लोगों का ज्ञान अपहृत हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं वो? प्रपद्यन्ते, वो भी प्रपद्यन्ते किसके प्रति? अन्य देवता, वो देवताओं की ओर जाते हैं। अब प्रश्न था क्यों जाते हैं? क्योंकि प्राकृत्या नियता स्वया, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा बन चुका है। जैसे मानो कोई शराबी है, क्यों शराब की दुकान पर जाता है बार बार? क्योंकि उसका स्वभाव बन चुका है। तो वैसे ही अनेक अनेक जीवन में इंद्रिय भोग करने के कारण, कामनाओं को पूरा करने के कारण मनुष्य शरीर पाकर भी व्यक्ति फिर से पुनः पुनः चर्वित चरवणा नाम, उन्हीं चबाए हुए को पुनः चबाना चाहता है। जैसे मानो आप चाहते हो सिगरेट, तो आप यदि अपने पिता के पास जाओगे, माता के पास जाओगे, वो देंगे? कभी नहीं देंगे, ऊपर से वो तमाचा लगाएंगे। लेकिन आप जाओगे दुकानदार के पास, दुकानदार देगा, क्योंकि दुकानदार को आपके हित अहित का ध्यान नहीं है, उसको अपने हित का ध्यान है। तो वैसे ही चूंकि लोग कामनाओं से पूरित हैं,
अपनी अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए वे भगवान के पास नहीं जाते, क्योंकि भगवान सभी कामनाओं को पूरा करने वाले नहीं। जो कामनाएं उचित हैं उन्हीं कामनाओं को भगवान पूरा करेंगे, लेकिन देवता बाध्य होते हैं। यदि कोई देवताओं की पूजा करता है, जैसे आप दुकानदार के पास जाते हैं 100 का नोट देते हैं तो आपको वो वस्तु प्रदान करेगा, वो आपके हित और हित का विचार नहीं करता। उसी प्रकार जिनकी बुद्धि कामनाओं को द्वारा अपहृत हो चुकी है, ढक चुकी है, प्रपद्यन्ते अन्य देवता। भगवान गीता के 2 अध्याय के 44वें श्लोक में कहते हैं कि व्यक्ति की बुद्धि कैसे भ्रमित होती है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, वहां भी शब्द आया है अपहृत चेतसाम। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, जिनकी बुद्धि बहुत ज्यादा इस संसार के भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होती है, तो उनके भीतर भगवान के प्रति समर्पण की भावना नहीं आती है, उनकी भक्ति में स्थिरता नहीं आती है। समाधौ न विधीयते, भगवान कहते हैं त्रय विषय जो वेद हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुना, क्योंकि वेद के अंदर अधिकांश जो उपदेश दिए गए हैं वो सब यही भौतिक कामनाओं को पूरा करने के लिए उपदेश दिए गए हैं। अब प्रश्न उठता है क्यों दिए गए हैं, क्योंकि अधिकांश जो जनता है वो ऐसी ही है, उनको क्या मतलब है आत्मा परमात्मा से और आत्मज्ञान से। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान उन लोगों के लिए है, कल भी हमने चर्चा की थी, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानमान माम प्रपद्यते, भगवान के प्रति प्रपद्यते कब होता है, बहुत बहुत जन्मों में शुद्ध होने के बाद। लेकिन संसारिक व्यक्ति अनेक अनेक प्रकार की कामनाओं से भरा होता है, वो शुद्ध नहीं है अभी, तो अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए वो भगवान की शरण में न जाकर किसकी शरण में जाता है, देवताओं की शरण में जाता है। तो पूरे वेद में यही कर्म कांड, कई प्रकार के विधि विधान अनुष्ठानों की संस्तुति की गई है कि यदि तुम रोगी हो, तुम अपने इस रोग से मुक्त होना चाहते हो तो सूर्य देव की उपासना करो। कोई व्यक्ति है धन चाहता है तो उसे कुबेर की पूजा करनी चाहिए, लेकिन धन पाकर तुम्हारी क्या गति होगी उसका उसका कोई कुबेर जिम्मेदार नहीं है। हो सकता है कि आपको धन मिला और कल डाकू आए और आपका गर्दन काट के ले गए, तो धन भी ले गए और आपका सर भी ले गए। आपने विद्या नहीं मांगी तो आपको विद्या नहीं मिला है? वैसे ही कोई व्यक्ति है, प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, कोई सुंदर पत्नी चाहता है तो उसको शिव जी की पत्नी उमा देवी की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान को छोड़कर ये जो अन्य देवी देवता के उपासक हैं, ये सब क्या हैं, प्रकृति के तीनों गुणों के ही अंदर रहते हैं। लेकिन भगवान का उपदेश है नैस्त्रयी गुण्य भवार्जुना निर्द्वंद निर्योग क्षेम आत्मवान, तुम द्वंद से ऊपर उठो, लाभ हानि जय पराजय सुख दुख मान अपमान, क्योंकि भौतिक संसार में समृद्धि को पाकर भी तुम दुखी रहोगे तो फिर मनुष्य जीवन पाने का क्या महत्व है। मनुष्य जीवन शरीर बहुत दुर्लभ है, इस शरीर को पाकर व्यक्ति संसार के द्वंद से बाहर निकल सकता है, लेकिन कामनाओं के कारण उसका ज्ञान चुरा लिया जाता है। जैसे एक बंदर है, बंदर को यदि थोड़ा सा एक मटके में कुछ चना रख दें, कुछ मूंगफली रख दें, उसमें वो हाथ डालता है और उसका हाथ उसमें फंस जाता है। अब बचने की जो बुद्धि है वो भाग सकता है मूंगफली छोड़ के, लेकिन मूंगफली के प्रति जो आसक्ति है, मूंगफली खाने की जो कामना है, उस कामना के कारण उसकी बुद्धि ढक गई अभी, अब पकड़ा जाता है। तो वैसे ही चाहे व्यक्ति तो सतत आनंदित रह सकता है, अपनी चेतना को आध्यात्मिक स्तर पर उठा सकता है, लेकिन उसके हृदय में इतनी कामनाएं हैं कि उसकी बुद्धि ढक जाती है और फिर वो अन्य अन्य देवताओं के शरण में जाता है। क्योंकि धर्म का उद्देश्य है सबई पुंसा परो धर्मो जतो भक्ति अधोक्षजे, भगवान के प्रति समर्पित होना, अधोक्षज की भक्ति करना। लेकिन ऐसे अल्पज्ञ लोग भगवान को भूलकर उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान हमारी कामनाओं को पूर्ण नहीं करेंगे, इसलिए हम अपनी तुच्छ इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो देवी देवताओं के शरण में जाते हैं। लेकिन भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं ठीक है, तुम्हें जो भी फल प्राप्त होता है उसमें देवी देवताओं का
कम योगदान है उसमें अधिक योगदान मेरा है। भगवान इसके अगले श्लोक में कहते हैं कि यो यो याम याम तनुम भक्त्यम श्रद्धा अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। जो व्यक्ति जिस जिस देवता की पूजा करता है तो उसके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, तो हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित होकर भगवान उसके उसकी श्रद्धा को स्थिर करते हैं। कहते हैं ना कि बिना भगवान की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो बिना भगवान की कृपा के देवता कुछ दे नहीं सकते हैं, ना तो पूजा करने वाले कोई पूजा भी कर सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि फिर भगवान उनकी श्रद्धा को देवताओं के प्रति क्यों स्थापित करते हैं, अपनी ओर ही क्यों नहीं श्रद्धा को मोड़ देते हैं? तो जीवन बहुत आसान हो जाता, जीवन से व्यक्ति मुक्त हो जाता। लेकिन भगवान ऐसा इसीलिए नहीं करते क्योंकि जीवात्मा के पास स्वतंत्रता है। जब तक जीवात्मा भगवान की ओर उन्मुख नहीं होता तो भगवान उसे जबरदस्ती अपनी भक्ति में नहीं लगाते हैं। भगवान ने पूरी गीता का उपदेश देने के बाद अर्जुन को क्या कहा, जथे इच्छसि तथा कुरु, मैंने तुम्हें उपदेश दिया, अब तुम विचार करो क्या उचित है क्या अनुचित है, अब तुम निर्णय लो। उसी प्रकार भगवान ने जीवात्माओं को स्वतंत्रता प्रदान की है। जीवात्माएं चाहे तो भगवान की ओर शरणागत हो सकती हैं और चाहे तो भगवान से विमुख होकर संसारिक भोग ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होकर 84 लाख के चक्कर में घूमती रह सकती हैं। लेकिन भगवान केवल उपदेश देते हैं, क्योंकि भगवान और जीव के बीच का जो संबंध है वह प्रेम का संबंध है। जहां भी प्रेम का संबंध है वहां स्वतंत्रता अनिवार्य है ना। जैसे मानो पति पत्नी, अब हर कार्य यदि पति को बोलना पड़े कि मेरे लिए भोजन बनाओ, मेरे लिए पानी लाओ, है मेरे कपड़े लाओ, तो यदि हर कार्य के लिए बोलना होगा तो फिर क्या है, प्रेम वो शिथिल हो जाएगा। लेकिन बिना बताए यदि भोजन तैयार हो गया है ना, कपड़े तैयार हो गए, या पति को हर कार्य के लिए बोलना पड़े कि अभी त्योहार आ गया मुझे साड़ी चाहिए मुझे गहने चाहिए या कुछ और भी घर में बहुत प्रकार की चीजें हैं, तो कहते हैं स्वीटनेस ऑफ लव कम्स थ्रू फ्री विल। जो प्रेम की मधुरता है वो स्वतंत्रता में ही है। तो पति ने पत्नी को थोड़ी स्वतंत्रता दी है, पत्नी ने पति को स्वतंत्रता प्रदान की है, वैसे ही क्योंकि प्रेम का संबंध बना रहे, प्रेम का मिठास बना रहे, उसी प्रकार भगवान ने जीवों को भी स्वतंत्रता दी है। चाहे तो वे अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करके भगवान की भक्ति करें, नहीं तो उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अपनी कामनाओं को पूरा करने में लग जाएं। तो भगवान ऐसे जीवों के भीतर श्रद्धा स्थापित करते हैं कि भगवान देखते हैं ये व्यक्ति रो रहा है अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए, ये चाहता है देवता की शरण में जाना चाहता है, ठीक है जाओ देवता के शरण में जाओ, फिर देवता उसे फल प्रदान करते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि स तया श्रद्धया युक्तस तस्य आराधनम ईहते लभते च ततः कामान मयि वैव भीतान हितान। उस श्रद्धा से युक्त होकर वह आराधना करता है देवता की, लेकिन आराधना करने के बाद लभते च ततः उसे लाभ भी प्राप्त होता है। लेकिन ये जो लाभ है, जो कामनाएं हैं, वस्तुतः मेरे द्वारा प्रदान की जाती है। मयि वैव भीतान हितान, यदि मैं उन देवताओं को शक्ति प्रदान ना करूं तो वे देवता कोई फल प्रदान नहीं कर सकते हैं, यानी देवता स्वतंत्र फलदायक नहीं है। देवता भी क्या है, भगवान पे निर्भर है, भगवान की कृपा पे आश्रित हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है क्यों ना सीधे भगवान के पास जाए। इसलिए भगवान आश्वासन देते हैं कि अकाम सर्व काम वा मुख्य काम वा उदारधि तिब्रेन भक्ति जोगे न जजेता परमं पुरुष। चाहे कोई व्यक्ति के हृदय में कोई कामना नहीं, चाहे उसके हृदय में कामनाओं की भरमार है, चाहे वो मुक्त होना चाहता है, किसी भी परिस्थिति में उसको भगवान की शरण स्वीकार करनी चाहिए। यानी संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान की शरण लेनी चाहिए, अन्य किसी देवी देवता की नहीं। इसलिए भगवान ने कहा था इसी अध्याय के 15वें 16वें श्लोक में कि जो चार प्रकार के लोग हैं, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु, ये सब क्या है, भक्त हैं, यद्यपि अपनी कामनाओं के
कारण मेरे निकट आते हैं, फिर भी चूंकि मेरे पास आते हैं, मेरी शरण में आते हैं, इसीलिए सुकृतिनो है, ये पुण्यवान है, ये धर्मात्मा है। लेकिन जो भगवान को भूलकर देवताओं की शरण में जाते हैं, ये सब क्या है, अल्प मेधसाम है। तो भगवान इसके अगले श्लोक में कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेसाम तद्भवति अल्प मेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। अब देवता इतना, देवता फल प्रदान करते हैं, लेकिन जो देवताओं के पूजक हैं इतना अथक परिश्रम करते हैं, कई प्रकार के विधि विधान का पालन करते हैं, लेकिन फल क्या मिलता है उन्हें, सीमित फल मिलता है, क्षणभंगुर और नश्वर फल प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने कहा यह सब अल्प मेधसाम है, कम बुद्धिमान है। इसके विपरीत जो भगवान के भक्त हैं, ज्यादा कुछ नहीं, भगवान का नाम जप करना है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन जो फल है वो फल शाश्वत फल है, भगवान का धाम नित्य है, भगवान नित्य है, भक्ति नित्य है। इसलिए यहां कहते हैं देवान देव जो यान्ति, जो देवताओं के पूजक है वो देवलोक को जाते हैं। देवता नश्वर है, देवताओं की एक निश्चित आयु होती है, देवताओं का लोक भी एक निश्चित काल तक रहता है। तो ऐसे पूजक, देवताओं के उपासक इसी लोक में जाएंगे, देवता नष्ट हो जाएंगे, देवताओं के लोक नष्ट हो जाएंगे, तो उनके पूजक भी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो श्री कृष्ण के भक्ति करने वाले हैं, कृष्ण के प्रति शरणागत हैं, मायाम एताम तरन्ति थे, माया से तो तरते ही हैं वो, साथ ही साथ मद भक्ता यान्ति माम अपि, वो मेरे धाम में आते हैं। तो सबसे बुद्धिमान वह व्यक्ति है जो देवी देवताओं का आश्रय न लेकर श्री कृष्ण का आश्रय लेता है, यह भली भांति जानते हुए कि जो फल देवी देवता प्रदान करते हैं वे सारे फल और उससे भी श्रेष्ठ भक्ति श्री कृष्ण प्रदान कर सकते हैं और करते हैं। और ऐसी भक्ति अहेतु की अप्रतिहता, बिना किसी भौतिक आकांक्षा के, बिना किसी अवरोध के संपन्न की जानी चाहिए। और ऐसी भक्ति इस कलयुग में बहुत सरल है, व्यक्ति को किसी प्रमाणिक गुरु के आश्रय में रहकर भगवान नाम का जप, भगवत सेवा प्रारंभ करनी होती है। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग के पतित जीवों के लिए विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र की संस्तुति की है कि हर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का नियमित जप करे, अपने हृदय को पवित्र बनाए और भगवान के धाम में प्रवेश करें। शील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।